बहुत पहले की बात है, यहाँ पर एक खुश परिवार रहता था। उसमें थे पापा, मम्मी और उनका बेटा स्क्वेरी। देखो माँ, मैं आ रहा हूँ। धीरे स्क्वेरी, तुम गिर सकते हो। चिंता मत करो माँ, मैं पहुंच गया हूँ। या देखो स्क्वेरी, मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस लाई हूँ। नई कपड़े? दिखाओ दिखाओ। लेकिन माँ, मैं चारों ओर से एक ही जैसा दिख रहा हूँ। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक लगते हो बेटा। नहीं, ये सच नहीं है। काश मैं सूरज की तरह होता। ये कितना गोल मटोल और सुंदर है। वाह, अब मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। मुझे चलकर माँ को दिखाना चाहिए। ओह, ये क्या हो रहा है? मैं बस लुढ़क जा रहा हूँ। मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मुझे लगता है कि ये विचार गलत था। वाह, ये पहाड़ी कितनी अच्छी दिखती है। काश मैं भी इसकी तरह होता। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे स्क्वेरी, तुम तो बिल्कुल अलग दिख रहे हो। स्क्वेरी, हम तुम्हें एक राज बताना चाहते हैं। हाँ हाँ बताओ, क्या राज है? स्क्वेरी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। दूर रहो, अब से मैं तुम्हें कोई राज नहीं बताऊंगा। रुको दोस्तों, ये ठीक नहीं हुआ। अब मुझे कोई भी अपना राज नहीं बताएगा। ये बस कितनी अच्छी है। ये इधर से उधर जा भी सकती है।
काश मैं भी इसके तरह दिखता। हुर्रे, मैं अब कितना बड़ा हो गया हूँ, घर जाने का समय हो गया है। पम 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 पम। स्क्वेरी, क्या तुम खुश हो? हाँ माँ। तब ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। रुको, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। आह, दूर रहो स्क्वेरी। हाँ, हमारे साथ मत खेलो, तुम हम सबको चोट पहुंचा रहे हो। स्क्वेरी, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, अब कोई भी मेरे साथ खेल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मैं पहले ही अच्छा था। काश मैं फिर से पहले जैसा ही हो सकता। हुर्रे, मैं फिर से पहले की तरह हो गया हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही खुश हूँ। मुझे दूसरे की तरह नहीं बनना है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मेरा प्यारा बेटा। आप भी बहुत अच्छी हो माँ। शीघ्र ही स्क्वेरी फिर से खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा, स्कूटी चलाने लगा, दोस्तों के साथ सीक्रेट शेयर करने लगा, और वह भी अपनी नई ड्रेस में।